कैंसर हॉस्पिटल बाजारघाट की इंतजामिया की सुस्त रफ्तार कार्रवाइयों और गैर जिम्मेदाराना हरकतों के खिलाफ मशहूर जमाना समाजी कारकुन उप प्रेसिडेंट नारी निकेतन मोहतरमा सफिया माही और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बेबाक कारकुन हैदर मेमन ने कैंसर हॉस्पिटल का दौरा करते हुए वहां की खस्ता हाली और मरीजों को पेश आने वाले मसाइल पर इंतजामिया से बात की और तेलंगाना की हुक्मरान जमात के वजीर आला जनाब केसीआर साहब से इस बात का मुतालिबा किया है कि इस हॉस्पिटल की खस्ता हाली और इंतजामिया की खबर लें ताकि यहाँ के मरीजों की जानों का तहफ्फुज हो सके और मरीजों के मसाइल हल हो सके। तो आइए देखते हैं मशहूर जमाना समाजी कारकुन मोहतरमा सफिया माही के इस दौरे के तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सफिया माही, सोशल वर्कर, एनजीओ नारी निकेतन प्रेसिडेंट। हम लोग यहाँ नामपल्ली एमएमजे हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल आए हुए। यहाँ पर पेशेंट सुबह 8 बजे आ जा रहे, उन लोगों को बुला रहे 8 बजे, उन लोगों को रिपोर्ट्स के लिए 2 बजे की टाइम दे रहे। 2 से 4 तक पेशेंट सुबह से यहाँ पर भूखे रह रहे और यहाँ पर पेशेंट्स के साथ लापरवाही बहुत हो रही और गंदगी बहुत है। बात करने पर ये लोग बोल रहे कि यहाँ पर मिशनरी नहीं है और डॉक्टर्स भी ज़्यादा पेशेंट्स को यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। हुकूमत से हमारी गुजारिश है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल पेशेंट क्यों आता? मजबूर, बेबस, गरीब गुरबा इंसान यहाँ पर आता, जिसके अगर किसी के पास पैसे है तो वो लोग आके लाइन में खड़ के बेहोश होना चाहते क्या? इसलिए हुकूमत से हमारी बार बार, हर बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो भी आ रहे, प्लीज़ उन लोगों को मुसीबत न हुए जैसा आप देखिए। मिशनरी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट प्रॉब्लम है, डॉक्टर सही रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। आइए सुपरिटेंडेंट आरएमओ जो भी है यहाँ पर आकर देखिए। अल्लाह ये नीलोफर कैंसर हॉस्पिटल के पास का नजारा है। ये जो लोग आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो लोग वेट कर रहे हैं, ये लोग पेशेंट्स है। ये लोग 2 बजे की टाइमिंग है, आज 2:15 हो रहे हैं। अब तक कोई गवर्नमेंट के मतलब कोई स्टाफ का पुरसान हाल नहीं है यहाँ पर, आप लोग देख सकते ही है। नीलोफर कैंसर हॉस्पिटल के अंदर का एरिया है ये। ये लोग काउंटर के खुलने का इंतजार कर रहे हैं ये लोग।